प्रियंका जी अब चुनावी मैदान में हैं, वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह से राहुल गांधी जीते। हालांकि बार बार उन्होंने श्री प्रियंका गांधी को ही दिया कि दोनों जगह वो रही, और अब ये कह रहे हैं दो दो सांसद रहेंगे रायबरेली में भी वायनाड में भी। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि पहले आपने कहा था कि राहुल प्रियंका गांधी की जगह जो है वो संसद होनी चाहिए। नमस्कार। पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भारी अच्छे नंबर से जिताया और कांग्रेस को अच्छे नंबर पे लाए, और बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नाराज़ थी। और मैं ये कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो सबने देखा था कि अयोध्या में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीति देश नहीं चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूँ। पर इस बारी जब जो डिसीशंस बन रहे थे तो उसमें मैंने ज़रूर ज़्यादा मैंने बोला इस बारी कि नहीं, मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं। मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं और खाली जो वो इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि वो जो उनके महिलाओं के नारे वो लगाते हैं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या अलग अलग जो मेहनत करते हैं वो बड़े पैमाने पर और पार्लियामेंट में होने पर वो अपने काम और अच्छी कर पाएंगी, देश की सेवा और तरीके से कर पाएंगी। सर, आपको लगता है कि जो प्रियंका गांधी बार बार जो है कांग्रेस के लोग कहते थे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, पार्लियामेंट में आए, तो पार्लियामेंट के अंदर जब वो जाएंगी तो और आपका कहना है कि वुमेन इश्यूज और ज़्यादा मुखर तौर पे अच्छे अच्छे तरीके से उठेंगे, आवाज़ उनकी और पहुंच पाएगी? देखिए, मुझे पता है कि मेरे परिवार अपने पुरखों से, दादी से और अपने पिताजी से और सोनिया जी से कितनी सीखे हैं, और राहुल ने भी सीखा है, और उनको पार्लियामेंट में होने पर, संसद में होने पर, जो भी देश के मुद्दे हैं जो बीजेपी जिक्र नहीं करती है, उनकी जो हमारे किसान हैं या बेरोजगारी हैं या महिला की सुरक्षा और जो जो महंगाई बढ़ी है उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होती है, और हम ये देखते हैं कि जो भी वो करते हैं ज़रूर खाली दो तीन उद्योगपति हैं उनके पास, बीजेपी उनको सारा दे देती है, चाहे बंदरगाह हो या रोड हो या जो भी करना चाहेंगे उनके द्वारा ही अपने काम करते हैं। पर मैं कहूँगा कि प्रियंका ज़रूर सारे मुद्दों को उठाएंगी, हर बात उठाएंगी जैसे राहुल ने भी उठाया, और मैं हालांकि बोलूँगा कि जैसे अगर बीजेपी के जो सांसद बने हैं, जो जब उनसे सवाल किया गया कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वो उसका जवाब उल्टा दे रही हैं, उनको उसी का समझ नहीं है और वो आज संसद में हैं, मैं हैरान हूँ। और वो आगे क्या कर पाएंगी वहाँ, और जो संसद का समय बिगाड़ते थे या ज़ाया करते थे जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो अब वहाँ नहीं होंगी, जो हमेशा परिवार का नाम लेकर अपनी पहचान बढ़ाते थे, और कभी भी उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, चाहे वो जो हमारे जो रेसलर महिलाएं रेसलर थे या मणिपुर जाना या अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं महिलाओं के बारे में, कभी भी वो अपनी आवाज़ नहीं उठाई, प्रियंका उठाएंगी। मुझे पता है प्रियंका इस समय में
उन्होंने वैसे ही, चाहे वो संसद में थे या नहीं, बहुत मेहनत की है और हर चीज़ समझी हैं वो, और उनको पता है लोगों की ज़रूरत क्या है और वो ज़रूरत पूरी करेंगी, उनकी आवाज़ रखेंगी, बुलंद करेंगी लोगों की आवाज़ संसद में।